मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल B2 स्टडीज पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आइए आज हम इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट सिक्के के बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2020 का महिला एकल विजेता कौन रहा? पहला ऑप्शन है सोफिया केनिन, दूसरा ऑप्शन है गार्बिन मुगुरुजा, तीसरा ऑप्शन है सेरेना विलियम्स, चौथा ऑप्शन है वीनस विलियम्स। ग्रैंड स्लैम में पहला टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस होता है जिसका पुरुषों का एकल खिताब तो नोवाक जोकोविच ने जीता था, लेकिन महिलाओं का एकल खिताब जो जीता वो सोफिया केनिन जो अमेरिका की हैं, जो 21 वर्षीय हैं, और ये इनका पहला ही ग्रैंड स्लैम खिताब है। इन्होंने फाइनल में स्पेन की गार्बिन मुगुरुजा को हराया। अतः ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2020 की महिला एकल विजेता हैं अमेरिका की सोफिया केनिन। प्रश्न नंबर दो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार किसे दिया गया? पहला ऑप्शन रोहित शर्मा, दूसरा ऑप्शन बेन स्टोक्स, तीसरा ऑप्शन पेट कमिंस, चौथा ऑप्शन विराट कोहली। अतः इसका राइट आंसर है नंबर दो, बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं, इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने जो विश्व कप आईसीसी विश्व कप क्रिकेट का फाइनल मैच था उसमें न्यूजीलैंड को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और बेन स्टोक चर्चा में आ गए। उन्हें 2019 के आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया जिसके लिए उन्हें गैरी सोबर्स ट्रॉफी प्रदान की गई। अतः सुर्खियों में है बेन स्टोक्स। प्रश्न नंबर तीन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 फरवरी 2020 को घातक कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या दिया है? पहला ऑप्शन कोविड-17, दूसरा कोविड-18, तीसरा कोविड-19, चौथा कोविड-20। अतः इसका राइट आंसर है कोविड-19। कोविड से तात्पर्य क्या है? को से, कोविड में को से तात्पर्य है कोरोना, वी से तात्पर्य है वायरस, और डैसे तात्पर्य है डिजीज, इसीलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया है। प्रश्न नंबर चार, हाल ही में चर्चित कम्बाला किस राज्य का पारंपरिक खेल है? पहला ऑप्शन पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन तेलंगाना, चौथा ऑप्शन कर्नाटक। अतः इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कम्बाला दौड़ कर्नाटक का पारंपरिक खेल है, इसका एक नाम भैंसा दौड़ भी है, जो बहुत जबरदस्त ऐसी जगह है जिसमें बहुत ज्यादा मिट्टियां होती हैं, पानी डाल दिया जाता है, और जिसे कादे की स्थिति होती है उसमें भैंसे को दौड़ाया जाता है, जिसे कम्बाला दौड़ कहते हैं। प्रश्न नंबर पांच, आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर 2004 से 4 नवंबर 2019 को कहां संपन्न हुआ? पहला ऑप्शन सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन मनीला, तीसरा ऑप्शन बाली, चौथा ऑप्शन बैंकॉक। अतः राइट आंसर है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, जहां 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 2019 को दक्षिणी पूर्वी देशों के 10 देशों के संगठन आसियान का यह 35वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 6, वर्ष 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? पहला ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज, दूसरा ऑप्शन है क्लाइमेट फॉर्मिंग, तीसरा ऑप्शन है क्लाइमेट इमरजेंसी, चौथा ऑप्शन है क्लाइमेट वार। अतः इसका राइट आंसर है तीन, क्लाइमेट इमरजेंसी। वर्ष 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर क्लाइमेट इमरजेंसी को चुना गया है। प्रश्न नंबर 7, समुद्र शक्ति 2019 युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन है भारत व उज्बेकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है भारत व इंडोनेशिया, तीसरा ऑप्शन है भारत व जापान, चौथा ऑप्शन है भारत व चीन। अतः इसका दूसरा उत्तर सही है, भारत व इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास 2019 भारत व इंडोनेशिया की नौ सेनाओं के मध्य आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 8, पद्म विभूषण 2020 से किन्हें सम्मानित नहीं किया गया है? आजकल ऐसे क्वेश्चंस, नेगेटिव इंपैक्ट वाले क्वेश्चन परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। यहां ये नहीं पूछा गया किसे दिया गया, यहां पूछा गया किसे नहीं दिया गया। पहला ऑप्शन है अरुण जेटली, दूसरा ऑप्शन है छन्नू लाल मिश्र, तीसरा ऑप्शन है सुषमा स्वराज, चौथा ऑप्शन है पीवी सिंधु।
अतः इसका राइट आंसर है पीवी सिंधु को पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्मश्री। अतः पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि गणतंत्र दिवस समारोह से एक दिन पहले 25 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। अरुण जेटली को राजनीतिक क्षेत्र में मरणोपरांत वर्ष 2020 के पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई। छन्नूलाल मिश्र को कला के क्षेत्र में जो यूपी के रहने वाले हैं उन्हें पद्म विभूषण 2020 देने की घोषणा की गई। सुषमा स्वराज को राजनीति के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2020 देने की घोषणा की गई। लेकिन पीवी सिंधु को जो कि बैडमिंटन की जबरदस्त खिलाड़ी हैं और उन्हें पद्म विभूषण से 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य 19 अगस्त 2019 को किस राज्य से निर्वाचित हुए हैं? पहला ऑप्शन है पंजाब से, दूसरा असम से, तीसरा बिहार से, चौथा राजस्थान से। इसका उत्तर है चौथा राजस्थान से। नौवे का उत्तर है 4। राजस्थान में एक राज्यसभा की सीट खाली हुई थी, मदन लाल सैनी जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष थे उनका निधन हो गया था जिसके कारण एक पद रिक्त हो गया था और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उन्हें उतारा और वे निर्विरोध राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। ये उनका छठा कार्यकाल है राज्यसभा के लिए। प्रश्न नंबर 10, देश का 100वां स्मार्ट सिटी है? पहला ऑप्शन इम्फाल, दूसरा शिलोंग, तीसरा कोहिमा, चौथा चंडीगढ़। अतः इसका राइट आंसर है 2, शिलोंग। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी और देश के 100वें और अंतिम स्मार्ट सिटी के रूप में शिलोंग मेघालय को चुना गया। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन नोबेल साहित्य पुरस्कार 2019 ऑस्ट्रिया के पीटर हेडके को दिया गया। दूसरा ऑप्शन नोबेल शांति पुरस्कार 2019 इथियोपिया के अबी अहमद अली को दिया गया। तीसरा ऑप्शन नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 2019 भारतीय मूल के अमरीकी अभिजीत बनर्जी को दिया गया। चौथा ऑप्शन यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायेद भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिया गया। अतः इस प्रश्न का जो आंसर है वो 4 है। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायेद है जो कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। और अन्य ऑप्शन सही थे। नोबेल साहित्य पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दुनिया में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2019 में ऑस्ट्रिया के पीटर हेडके को दिया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार 2019 इथियोपिया के अबी अहमद अली को दिया गया था। नोबेल का इकोनॉमिक्स पुरस्कार 2019 चर्चा में रहा जब भारतीय मूल के अमरीकी अभिजीत बनर्जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा असंगत है? यहां पुस्तक और लेखक का एक कॉम्बिनेशन दिया गया है जिसमें से हमें चुनना है कि कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है फिर मेरी याद, लेखक कुमार विश्वास। दूसरा ऑप्शन है गेम चेंजर, लेखक शाहिद आफरीदी। तीसरा ऑप्शन है चेंजिंग इंडिया, लेखक नरेंद्र मोदी। चौथा ऑप्शन है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, लेखक स्टीफन हॉकिंग। अतः इसका उत्तर 3 है। चेंजिंग इंडिया नरेंद्र मोदी की पुस्तक नहीं है, यह चेंजिंग इंडिया भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुस्तक है। फिर मेरी याद के लेखक के प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास, तो गेम चेंजर पुस्तक के लेखक के पाकिस्तान के जबरदस्त ऑलराउंडर क्रिकेटर शाहिद आफरीदी, और ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक के दुनिया के मशहूर भौतिक वैज्ञानिक जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया स्टीफन हॉकिंग, जिन्हें आधुनिक आइंस्टीन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आइए प्रश्न नंबर 13 पर रुक करते हैं।
विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? पहला ऑप्शन है 80वां, दूसरा ऑप्शन है 77वां, तीसरा ऑप्शन है 65वां, चौथा ऑप्शन है 63वां। अतः इसका राइट आंसर है 63वां। विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का नंबर 63वां रहा। इस रिपोर्ट में 190 देशों की रिपोर्ट दी गई और उसमें पहला स्थान पर रहा न्यूजीलैंड, तो भारत का स्थान रहा 63वां, तो अंतिम 190वें स्थान पर रहा सोमालिया। आइए एक बार इन प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर किस प्रकार रहे हैं, उत्तरमाला चर्चा करते हैं। पहले का उत्तर एक सोफिया केनिन, दूसरे का उत्तर दो बेन स्टॉक्स, तीसरे का उत्तर तीन कोविड-19, चौथे का उत्तर चार कर्नाटक, पांचवे का उत्तर चार बैंकॉक, छठवे का उत्तर तीन क्लाइमेट इमरजेंसी, सातवें का उत्तर दो भारत व इंडोनेशिया, आठवें का उत्तर चार पीवी सिंधु, नौवें का उत्तर चार राजस्थान, दसवें का उत्तर दो शिलोंग, ग्यारह का उत्तर चार नरेंद्र मोदी, बारह का उत्तर तीन डॉक्टर मनमोहन सिंह। ग्यारह का जो चार है वो ऑप्शन गलत था, वहां नरेंद्र मोदी उत्तर होना चाहिए था। बारह का उत्तर तीन, वहां पर उत्तर डॉक्टर मनमोहन सिंह होना चाहिए था जिस किताब को दिया गया था। तेरह का उत्तर चार 63वां। आपको हमारा यह लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं और इस चैनल को लोकप्रिय बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। इंतजार करते रहिए अगले वीडियो का। धन्यवाद साथियों।